हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम इसको दो पार्ट में रखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट विल बी हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये फर्स्ट वीडियो में रहेगा जो कि आज की वीडियो है। और सेकेंड वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करके। बेसिकली EC2 इंस्टेंस क्या होता है हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करें, सर खुद की वेबसाइट डिप्लॉय करके दिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी इस दो वीडियोस की सीरीज में आप जुड़े रहिए, आप क्लाउड के बारे में सीख सकते हैं इससे अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्लाउड के बारे में हमें सीखना है, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले इस वीडियो में तो वो देखते हैं। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, AWS क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, मॉडल ऑब्जेक्टिव, सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। सो सब फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या। तो बहुत लोग इसका जवाब देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से वो स्टोरेज को जोड़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स एक ऑनलाइन स्टोरेज, गूगल ड्राइव एग्जाम्पल के तौर पर। ये काफ़ी गलत है। सो इसका करेक्ट डेफिनेशन होता है जो इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूट पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड अदर IT रिसोर्सेज थ्रू इंटरनेट विथ पे एज यू गो प्राइसिंग। इसका मतलब ये है कि आपको जितना डिमांड रहेगा कंप्यूट पावर का, डेटाबेस का, उसमें आपके डिमांड के हिसाब से आपको पे करना है इंटरनेट के थ्रू। ये एक क्लाउड को डिनोट करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को डिनोट करते हैं। बेसिकली आपको एक हार्डवेयर चाहिए और एक हार्डवेयर की कॉस्टिंग आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल दिस, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, एक कंपनी सेटअप करनी है, एक स्टार्टअप सेटअप करना है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको, अगर आप एक डेटाबेस, एक सर्वर भी लेते हो, तो उसके लिए आपको ऐसा हार्डवेयर सेटअप करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, और फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी। और जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है, जैसे आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आपको 3 लाख रुपए लगे इस ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे से क्रिएट करने में। इतना छोटा सा क्रिएट करने में आपको 3 लाख रुपए लग गए, और क्या पता आपकी कंपनी डूब गई, तो आपके 3 लाख भी तो डूब गए ना। उस केस में क्लाउड आपको हेल्प करता है। थ्रू क्लाउड आप ये सब काम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद ब खुद कर सकते हो, बिना किसी हार्डवेयर को खरीदने के बजाय। आप इसे ऐसा क्लाउड सर्विसेज में खरीद सकते हो, जो भी आपकी कंप्यूटेशन होगी उसके हिसाब से आप खरीद लो और फिर उसमें यूज़ कर दो। दिस इज अ थिंग। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ हार्डवेयर, आप हार्डवेयर में सर्वर्स खरीद सकते हो, सर्वर की जगह पे एक हार्डवेयर सर्विसेज खरीद सकते हो क्लाउड में ये। फिर नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सॉफ्टवेयर। मेनली 3 सर्विस मॉडल्स होते हैं इस क्लाउड के। फर्स्ट इज IaaS मॉडल, IaaS मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS पास मॉडल प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन्स कि आप बेसिकली अपना एक सिस्टम खरीद रहे हो, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरी डेस्कटॉप ही खरीद रहे हो, अपने वर्चुअल जो रहेगा आपका क्लाउड, एक मतलब समझो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर ही खरीद रहे हो। अब इस सर्वर में आपको OS डालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो डालोगे ही सर्वर में, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आता है पास में। ये पूरा सर्वर जो खरीदा हमने वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस, उसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हमने, लिनक्स हो सकता है, वो मैक हो सकता है, विंडोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और उसमें जो सॉफ्टवेयर चलाएंगे, जो एप्लीकेशन चलाएंगे, वो होगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS एप्लीकेशन। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज क्लाउड कैन बी एक प्योर क्लाउड भी हो सकता है जो पूरी तरह से ऑनलाइन हो, एक हाइब्रिड भी हो सकता है, कुछ चीज़ें आपकी प्राइवेट हो, कुछ चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो, और एक फुल प्राइवेट होता है जो प्राइवेट क्लाउड होता है। नेक्स्ट इज, हाँ ये वही चीज़ है, इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, DAS में। DAS का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। इसका एग्जांपल के तौर से समझो कि अपनी SSD जो होती है, हमारे कंप्यूटर में जो SSD होती है, वो इसका एग्जांपल होता है डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज के। अब समझो कि वो अटैच्ड होती है हमारे स्टोरेज से, बेसिकली वो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज के एग्जांपल में आ गई। नेक्स्ट थिंग इज SAN, SAN मीन्स होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, अगर तो हमारे पास सबसे पहले मान लो हम क्लाइंट हैं, क्लाइंट है ये, क्लाइंट हमें
और हमारे पास नेटफ्लिक्स का सर्वर है, नेटफ्लिक्स का हमारे पास एक सर्वर है। हमने हमें एक वीडियो प्ले करना है, तो हमने वीडियो पे टाइप किया। अब ये वीडियो, इसमें बहुत सारे और भी वीडियोस हैं, क्या ये सारे वीडियो सर्वर में स्टोर होते हैं? आप खुद बताओ, क्या नेटफ्लिक्स के सारे वीडियोस के सर्वर में स्टोर हो जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट, उसके सर्वर में उतना स्पेस ही नहीं है। तो नेटफ्लिक्स में जिस वीडियो को हमने टैप किया, वो वीडियो पहले इसके मेमोरी के पास जाएगा, इसको बोलते हैं मेमोरी एरे। इसके मेमोरी एरे में स्टोर रहती है चीज़ें, इस टाइप में आती है। इसके स्टोरेज एरे, स्टोरेज एरे, इसके स्टोरेज एरे में वो वीडियो आएगी पहले यहाँ से, ये पहले यहाँ पर आएगी, सर्वर पे आएगी, और फिर सर्वर से हमारा वीडियो प्ले होगा। अब इसमें ध्यान रखने की चीज़ ये क्या है, मैं बताता हूँ। इसमें आपकी चीज़ें आ जाएगी। पहली चीज़ ये कि ये सर्वर, ये जो सर्वर है और ये जो स्टोरेज एरे है, इसके बीच में जो इंटरलाइन कम्युनिकेशन होता है, उसे हम बोलते हैं SAN, जो कि यहाँ था SAN। फुल फॉर्म क्या है SAN का? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसके बीच के कनेक्शंस को बोलते हैं, कनेक्शन को बोलते हैं SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब आप बताओ, अगर मुझे मेमोरी से सर्वर में डेटा लाना है, तो दिस प्रोसेस मस्ट बी फास्ट, ये फास्ट होना ही चाहिए। अगर इसमें डिले आया, तो हमारी प्रोसेसिंग ही बहुत धीरे होगी ना। आपको अच्छा लगेगा अगर मैंने अभी एक वीडियो ओपन किया और फिर वो 10 मिनट बाद खुल रहे हैं? नहीं, तब तो लोग ही नहीं आएंगे उसमें, मतलब वो प्रोसेस ही सही नहीं रहेगा, फिजिबल ही नहीं रहेगा। तो इस केस में मुझे जो इसकी प्रोसेसिंग है, इसकी लेटेंसी को बहुत ही कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए हम इसमें फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स वायर्स यूज़ करते हैं, ताकि जो डेटा है उसका ट्रांसफर स्पीड फास्टेस्ट रहे। इसीलिए हम स्टोरेज एरे से सर्वर के बीच में फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? बेसिकली एक वायर होती है, फाइबर ऑप्टिक्स एक तरह की वायर होती है जिसके अंदर ग्लास बिल्ड मटेरियल रहती है, ग्लास से बनी रहती है, काफ़ी सेंसिटिव रहती है, और इसमें लाइट ट्रैवल करते हैं, लाइट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैवल करते हैं, और काफ़ी महंगे भी होती है। इस तरह के वायर्स में जो रेजिस्टेंस होता है डेटा का, वो सबसे कम रहता है, और जो फ्लो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, यानी कि आराम से डेटा फ्लो होता है, थोड़ी इसलिए थोड़ी महंगी आती है, लाइट के थ्रू ट्रैवल करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट थिंग इज कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, इस रिक्वेस्ट को बोलते हैं हम लोग वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सुना होगा सबने, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, या मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, मैन बोलते हैं, या लैन बोलते हैं, इसको बोलते हैं। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, जब सर्वर रिक्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं सैन, और जब ये सैन हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे तो फिर ये नेस क्या है? और चलो ये सैन तो मुझे क्लियर हो गया, ये डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज भी क्लियर हो गया, कि जो SSD होती है, जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है, वो डायरेक्टली स्टोर होती है हमारे CPU में, या डायरेक्टली हमारे CPU में लगती है, इसीलिए उसे DAS बोलते हैं। ओके, ये भी मुझे समझ में आ गया। अब ये नेस क्या होती है? अच्छा, इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास जो हमारा CPU है, उसमें लेट सपोज 1 TB का स्टोरेज है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि अगर आपका 1 TB स्टोरेज फुल हो गई, तो आप क्या करोगे? कोई बोलेगा मैं गूगल ड्राइव में सेव कर दूंगा, लेकिन मैं बोलूँ उसमें मेरे बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इंटरनेट में उसमें नहीं प्लेस करना, मैं इंटरनेट में नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं एक अलग सा हार्ड ड्राइव खरीद के ले आऊँ, कर सकता हूँ, या हार्ड ड्राइव खरीद के ले सकता हूँ 1 TB का, और पूरे डेटा इसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं नैस। नैस एक हार्ड ड्राइव भी हो सकता है, या एक कुछ और हो सकता है जो वायरलेसली मेरे पे एक्सेस कर सके। नेस, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। जो SSD था, जो हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क थी जो इनबिल्ट रहती थी CPU में, वो था डायरेक्ट अटैच्ड एड्रेस, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज, DAS, डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। जो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है, वो एक्सटर्नल डिवाइस होता है, एदर इट कैन बी अ हार्ड ड्राइव और इट कैन बी एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑल्सो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको दिख जाएंगे वैसे नैस डिवाइसेस। ये ऑनलाइन ब्लूटूथ से क्लियर हो सकती है, सारी चीज़ें लिंक हो सकती है, जिसमें आप इजीली अपने डेटा को बैकअप बना के या ट्रांसफर कर सकते हो। तो एज एक्सटर्नल स्पेस आपको प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर एक और क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SSD, SSD सबको पता होगा, हार्ड डिस्क के जगह पे आपका आजकल SSD, आजकल नहीं, बहुत पहले से SSD यूज होने लगी है। SSD इज फास्टर,
हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में फास्टर होती है, सॉफ्ट डिस्क ड्राइव, आई थिंक यही फुल फॉर्म होता है। और नेक्स्ट इज गूगल ड्राइव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? गूगल ड्राइव या गूगल क्लाउड बोल सकते हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जी ड्राइव में और एसएसडी में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये होता है कि एसएसडी हमारा ब्लॉक फ्रेम आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, ब्लॉक स्टोरेज आर्किटेक्चर पे, ब्लॉक स्टोरेज आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। और जो गूगल ड्राइव होता है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज आर्किटेक्चर। मतलब जो एसएसडी में जो भी चीज़ें सेव होती है, जो हमारे कंप्यूटर में चीज़ें सेव होती है, वो एक ब्लॉक के फॉर्मेट में सेव होती है। ब्लॉक मतलब जो भी डेटा हमें पता है जीरो और वन के फॉर्मेट में रहता है, तो जीरो और वन के फॉर्मेट में क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो मल्टीपल चंक्स में डिवाइड हो जाता है। और इन चंक्स जैसे ये 1 बाइट का चंक है, ये अलग 1 बाइट का चंक है, इस तरह के मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। और इस ब्लॉक्स में डिवाइड होकर इजिली एसएसडी में स्टोर होता है। तो इस ब्लॉक स्टोरेज डायग्राम की वजह से, इस ब्लॉक स्टोरेज आर्किटेक्चर की वजह से एसएसडी में ये यूज होता है। वही गूगल ड्राइव में ये ब्लॉक स्टोरेज काम नहीं आता, गूगल ड्राइव में ऑब्जेक्ट स्टोरेज काम आता है, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में चीज़ें स्टोर होती हैं। ये ऑब्जेक्ट बनाइए कहीं स्टोर हुआ गूगल ड्राइव में, फिर ये कहीं और स्टोर हुआ। तो इस टाइप में ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज आर्किटेक्चर फॉलो करता है, ये ब्लॉक स्टोरेज आर्किटेक्चर फॉलो करता है। ये डिफरेंस आ सकता है, ये कुछ कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं इंटरव्यूज वगैरह में। नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग AWS के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे, डेटाबेसेस पढ़ेंगे। AWS EBS, व्हाट इज EBS? वेट अ मिनट, ओके, सो व्हाट इज EBS? EBS का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक ब्लॉक सर्विसेज स्टोरेज या सर्विसेज बोल सकते हो, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अब हमने ये देखा था कि मैं डिस्कस किया कि ब्लॉक कहाँ यूज होता है। ब्लॉक यूज होता है हमारे एसएसडी में या हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में ब्लॉक यूज होता है, ठीक है। फिर EFS का फॉर्म होता है इलास्टिक फाइल सर्विसेज। मैं बताता हूँ मैंने क्यों बताया था वो सब चीज। तो अब मेरे को बताओ कि इसमें जो EBS है, इलास्टिक ब्लॉक सर्विसेज है, वो अपने SSD का काम कर रहा है। समझो हमारी SSD पर वर्चुअल कंप्यूटर में, हमारे क्लाउड में हमारी SSD क्या है? ESP है। बेसिकली हमारी ESD क्या है? EBS है। EBS में इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है। और EFS क्या है? EFS हमारी G ड्राइव स्टोरेज है, यानी कि वर्चुअल मेमोरी स्टोरेज है, जिसमें कि हम स्टोर कर सकते चीजें। ये दोनों हमारी स्टोरेज है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि क्या SSD के बिना गूगल ड्राइव चल सकता है? ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये रहना ही चाहिए, SSD तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि EBS तो रहेगा ही अपने क्लाउड में, इलास्टिक ब्लॉक सर्विस स्टोरेज रहेगा ही। अगर ये है उसके बाद EFS आएगा, एक्सपेंशन के लिए आएगा, ये वर्चुअल रहेगा। अगर अब ये तो वही बात होगी ना कि हमारे कंप्यूटर में रैम ही नहीं है, हमारे कंप्यूटर में अगर रैम ही नहीं है और हम गूगल ड्राइव कनेक्ट करके उसमें चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले हमारे कंप्यूटर में एक सेकेंडरी स्टोरेज या एक प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज रहना चाहिए। अगर एक सेकेंडरी स्टोरेज है उसके बाद ही तो हम गूगल ड्राइव में सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, 15 GB तक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वही बात हो गई, ये हमारा वर्चुअल मतलब सेकेंडरी मेमोरी है अमेजोन में, AWS में, और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी या आप बोल सकते हो हमारा गूगल ड्राइव की तरह ये भी काम करता है। फिर ये S3 क्या है? S3 एक इंडिपेंडेंट स्टोरेज यूनिट है। इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सबके लिए हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज AMI, ये भी इंपॉर्टेंट है। AMI क्या होता है? सो AMI बेसिकली इसका फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म इंटरव्यूज में पूछते हैं, Amazon Machine Image। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब जब भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमेशा इमेज बनती है, इमेज फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको हम बोलते हैं ISO फाइल, ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल इमेज फाइल, इस टाइप में अलग अलग ऑब्जेक्ट इमेज फाइल, ISO फाइल। तो अमेजोन में अमेजोन मशीन इमेज। तो इससे क्या होता है, इससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, अपने EC2 इंस्टेंसेस बना सकते हो। तो ये एक EC2 इंस्टेंस बनाने के काम आती है। EC2 मतलब क्या होता है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड।
इसीलिए इसे ई सी टू लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, हमने ये सीख लिया कि ए एम आई क्या होती है, ऑन प्रेमिसेस सर्वर भी ठीक है, सर्वर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले बाद में। नेक्स्ट इज स्विच पाइपलाइन क्या होती है, नेटवर्किंग के काम आती है, कि मान लो आपके पास अपने सर्वर क्रिएट कर लिया, अब सर्वर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके लिए, बहुत सारे यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो आप उसका फिर लोड बैलेंसिंग, फर्दर ये लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। उसके अलावा फिर वीपीसी, एक पर वीपीसी का फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क सेटअप कर सकते हो, इसमें डिफॉल्ट और कस्टम सेटअप कर सकते हो, डिफॉल्ट में क्या होगा, कस्टम में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम नेटवर्किंग कर सकते हो, ये हम लोग सीखने वाले बाद में। तो ये सारी चीज़ें थी, और चीज़ें देख लीजिए कि फायरवॉल्स, ये सिक्योरिटी में आ गया कि सिक्योरिटी बेसिकली कितना सिक्योर है, फायरवॉल्स क्रिएट कर सकते हो, ACLs क्रिएट कर सकते हो, सिक्योरिटी में आ गया। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है IAM, IAM का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक सर्वर बनाया, सर्वर बनाया, अब सर्वर मैंने बनाया तो एडमिन मैं, ठीक है, एडमिन मैं हूँ, पर अगर मैंने अपनी एडमिन की आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया अपने ग्रुप में, तो क्या है कि सारे के सारे लोग एडमिन बन जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, कोई भी बंदा इस सर्वर को डिलीट कर सकता है, इसमें कोई भी चेंज कर सकता है, यानी कि इसकी ऑथराइजेशन तो नहीं रही ना, एडमिन, फिर एडमिन का राइट सबको मिल गए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको आपके राइट्स डिफाइंड हो, अपने प्रीमिसेस डिफाइंड हो, तो उसमें IAM का काम आता है। IAM क्या करता है, बेसिकली सबको आपके राइट्स दे देता है कि आपका काम सिर्फ यहीं तक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी एक्सेल वगैरह में काम होता है, तो जो डेवलपर्स होते हैं उनका काम सिर्फ रीड करने का होता है, किसी काम सिर्फ रीड करने का होता है, किसी काम सिर्फ राइट करने का होता है, किसी काम दोनों होता है, कोई ओनर होता है, कोई कोलैबोरेटर होता है, कोई एडिटर होता है, कोई व्यूअर होता है, इन सबके राइट्स को डिफाइन किया गया है। तो क्लाउड में AWS में IAM यूज करते हैं, दैट इज आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। इसके थ्रू हम ऑथराइज करते हैं सारे को कि कौन क्या यूज करेगा, कितना सबको एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट इज और थ्योरेटिकल चीजें हैं कि टिक किए हुए क्या है, फिर एडवांटेजेस क्या है। तो वी ऑल अंडरस्टैंड कि क्लाउड के कितने एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले डेटा सेंट्रिक और इन्वेस्टमेंट में फायदा मतलब मिलता है हमें, फिर एक टाइम भी कम लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें सर्वर कैपेसिटी की अंदाज़ा नहीं लगेगा। कि पहले क्या होता था कि अगर हम बहुत ज़्यादा सर्वर करें तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता था, पर क्या पता चीज़ें हम सर्वर छोटा ले तो कैपेसिटी ओवर हो जाती थी, कभी कभी कैपेसिटी बच जाती थी, हमें एक एग्जैक्ट डिमांड का पता नहीं था। तो अब AWS में क्या फीचर है कि आपके पास ऑन डिमांड है, अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो आप सर्वर की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो ये ऑन डिमांड चीज़ें चलती हैं। ये पूरी चीज़ें थ्योरेटिकल है, आप इसमें पर रीड कर सकते हो। फिर ये चीज़ें कि इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं AWS पे, तो AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू, या SDK टूल्स के थ्रू, इन सब के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो। हम मेनली AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इन सब चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें आप पढ़ सकते हो और ये क्वेश्चंस पैटर्न कर सकते हो। थैंक यू। पर इसमें एक चीज़ आपको मैं होमवर्क देना चाहूँगा कि जो भी मैंने बोला था इसमें, जो भी मैंने समझाया, इन सब चीज़ों में कॉन्सेप्ट समझाए, आप एक बार उनको रिवाइज करो, क्योंकि और जो भी मैंने बोला कि इंटरव्यूज में पूछते हैं, उन सारे के फुल फॉर्म और उनके वर्किंग को समझो, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, हमने जो भी चीज़ें पढ़ाई की है अभी, जो भी पढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, हम सबको नेक्स्ट लेक्चर में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और तो और हमें खुद की वेबसाइट भी होस्ट करने वाले हैं AWS पे, दैट विल बी फन। पहले तो हम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, थोड़ी बहुत लिनक्स की बातें करेंगे, लिनक्स के कमांड्स की बातें करेंगे, फिर हम सीखेंगे कि SSH क्या होती है, फिर टेलनेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे, इंस्टेंट्स क्या होती है, इंस्टेंट टाइप क्या होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो यू मस्ट अटेंड द सेशन। Okay, so thank you for watching. Thank you and have a nice day.